दोस्तों Realme लॉन्च करने वाला Realme C3 फ़ोन को इंडिया में 6 फरवरी को, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme C3 और Vivo U10 फ़ोन के बारे में। ये दोनों फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है और क्या अंतर है दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। अगर आप जानना चाहते हैं दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होगा और कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं Vivo U10 और Realme C3 फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Vivo U10 फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया 6.35 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया और इसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। एक्सपेक्ट रेशियो का बात करें तो 19.39 एक्सपेक्ट रेशियो दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 81.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे बात करें तो Realme C3 फ़ोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इसमें भी एक वाटर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा। एक्सपेक्ट रेशियो का बात करें तो 19.59 एक्सपेक्ट रेशियो दिया जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा और इसमें Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों फ़ोन का डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। Vivo U10 फ़ोन में डिस्प्ले साइज थोड़ा सा छोटा दिया गया और इसमें Gorilla Glass का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। और Realme C3 फ़ोन में डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है और Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में बाजी मार लेता है Realme C3 फ़ोन। और दोनों फ़ोन का कैमरा का बात करें तो Vivo U10 फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर का, साथ में प्राइमरी सेंसर दिया गया और जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का, साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। जो टाट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का, साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। इसमें फुल HD वीडियो देखने सपोर्ट मिल जाता है, LED फ्लैश भी दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो Realme C3 फ़ोन, इसमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी सेंसर है 12 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का, साथ में दिया जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर का, साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया जाएगा। इसमें भी फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा, LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो Vivo U10 फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का, साथ में दिया गया है सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे बात करें तो Realme C3 फ़ोन, इसमें 5 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का, साथ में सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, या फिर हो सकता है 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया जाए। सेल्फी कैमरा अभी भी कंफर्म नहीं है। ये दोनों फ़ोन का कैमरा में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। रियर कैमरा में बाजी मान लेता है Vivo U10 फ़ोन, इसमें रियर कैमरा थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा और सेल्फी कैमरा में भी थोड़ा बेहतर होगा Vivo U10 फ़ोन। और ये दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो Vivo U10 फ़ोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया और इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 610 जीपीयू दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो Realme C3 फ़ोन, इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया जाएगा, मीडियाटेक हीलियो G70 ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसका क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली G52 जीपीयू देखने को मिल जाएगा। दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, ये 11 नैनोमीटर पर आधारित है, 11 नैनोमीटर पर चलता है। और यहाँ पे बात करें तो हीलियो G70 प्रोसेसर, ये 12 नैनोमीटर पर आधारित है, 12 नैनोमीटर पर चलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में बाजी मान लेता है Vivo U10 फ़ोन, इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करें तो हीलियो G70 प्रोसेसर से। दोनों फ़ोन का OS यूज़र इंटरफेस का बात करें तो Vivo U10 फ़ोन में Android 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में फ़ोन टच 9.1 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो Realme C3 फ़ोन, इसमें Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और इसमें Realme UI देखने को मिलेगा, जो Realme का नया UI है, Realme OS इसमें दिया जाएगा। दोनों फ़ोन का वेरिएंट का बात करें तो Vivo U10 फ़ोन 3 वेरिएंट पे आता है। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में एक आता है, और एक आता है 3GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और एक आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और इसमें 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो Realme C3 फ़ोन, ये फ़ोन 2 वेरिएंट पे आएगा, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में एक आएगा, और एक आएगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में, इसमें भी 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम बैटरी दिया गया है, 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो Vivo U10 फ़ोन में 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो
रियलमी C3 फ़ोन, इसमें 10 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाएगा, तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग पर बाजी मान लेता है वीवो U10 फ़ोन। दोनों फ़ोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फ़ोन में माइक्रो USB 2.0 देखने को मिल जाता है। दोनों फ़ोन में टाइप सी नहीं है, माइक्रो USB दिया गया। दोनों फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो वीवो U10 फ़ोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया, और यहाँ पे बात करें तो रियलमी C3 फ़ोन, इसमें 4.0 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है। दोनों फ़ोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फ़ोन में 4G सिम वोल्टेज मिल जाता है। दोनों फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। दोनों फ़ोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो वीवो U10 फ़ोन में फेस अनलॉक मिल जाता है, और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी C3 फ़ोन, इसमें तो फेस अनलॉक मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। दोनों फ़ोन का डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। ग्लासिक फिनिशिंग के साथ में दिया गया, लेकिन दोनों फ़ोन का बैक साइड में प्लास्टिक का बॉडी देखने को मिल जाता है। रियलमी C3 फ़ोन में फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन वीवो U10 फ़ोन में कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो वीवो U10 फ़ोन अभी जिस प्राइस पर अवेलेबल है वही प्राइस मैं बता रहा हूँ। इसका जो बेस्ट वारंटी है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। इसका प्राइस है 8,990 रुपीज़ पर अवेलेबल है, और इसका जो मिड वारंटी है 3GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। इसका प्राइस है 9,490 रुपीज़ पर अवेलेबल है, और इसका जो हायर वारंटी है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है। इसका प्राइस है 10,990 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी C3 फ़ोन, तो दोस्तों ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसका कन्फर्म प्राइस पता नहीं है, तो मैं एक एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए, या फिर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, लिंक्स का थ्रू जो भी पता चला है वही बता रहा हूँ। इसका जो बेस्ट वारंट होगा 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 7,999 रुपीज़ पर आएगा, और इसका जो हायर वारंट होगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 9,999 रुपीज़ पर आएगा। दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो वीवो U10 फ़ोन कुछ दिन पहले लॉन्च हो गया है, तो ये अमेजन फ्लिपकार्ट vivo.com पर अवेलेबल है। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी C3 फ़ोन, ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, 6 फरवरी को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और इसके बाद में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वीवो U10 और रियलमी C3 फ़ोन का। आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये दोनों फ़ोन का कन्फ्यूज का बात करें तो इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर, ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन देखे तो यहाँ पे विनर बन जाता है वीवो U10 फ़ोन। इसमें काफ़ी चीज़ बढ़िया देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा, इसमें कैमरा भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, और इसमें फास्ट चार्जर भी दिया गया है। रियलमी C3 फ़ोन में इसमें दो तीन चीज़ इसमें भी बढ़िया देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और इसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये दो तीन चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और रियलमी C3 फ़ोन का प्राइस भी थोड़ा सा कम होने वाला है, 1,500 रुपये का डिफरेंस रहेगा, 1,000 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ प्राइस में भी अंतर नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेहतर होगा वीवो U10 फ़ोन 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके भी ये फ़ोन ले सकते हैं, या फिर इन दोनों फ़ोन में से बेहतर होगा रेडमी नोट 8 फ़ोन, ये फ़ोन भी परचेस कर सकते हैं। आपको कौन सा फ़ोन बेहतर लगा, कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।